हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल रिजॉय एजुकेशन हम बी हाइव बुक के थर्ड चैप्टर पे हैं द लिटिल गर्ल ये चैप्टर लिखा गया है कैथरीन मैंसफील्ड ने के और ये नाइन्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर है स्टूडेंट्स बिफोर यू रीड डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर यूज देन वेन यू वर मच यंग ठीक है क्या आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानते हो या फिर पहले जानते थे पर एप्स यू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट दे अपसेट और यर पर ऐप्स अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें जो वो आपकी भलाई के लिए करते थे वो सही थी द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्ली फाइंड एन एक्सक्यूज़ एको इन एवरी होम ठीक है यहाँ पे बताया गया कि ये जो स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की जिसकी फीलिंग अपने फादर के लिए हमेशा चेंज होती है डर से लेके अंडरस्टैंडिंग तक उनको समझने तक ये फाइंड एन एको इन एवरी होम का मतलब है हर घर घर में ये ये हर घर की कहानी है ऐसा बोल रहे हैं टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फीयर्ड एंड अवॉइड उस छोटे बच्चे के लिए वो एक ऐसा फिगर था फादर फिगर था जो जिसे उसे डरना चाहिए और उसे उन्हें अवॉइड करना चाहिए एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजल केस टू विच ही रिस्पॉन्डेड विद गुड बाई फादर हर सुबह को वॉक काम पे जाने से पहले वो उनके रूम पे आते थे और उन्हें कैजुअली किस करते थे उनके चीक्स पे उन पे वो रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय फादर एंड ओ देर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ़ द कराच ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड और ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब उन्हें उसे काफ़ी आनंद होता था और और जान में जान आती थी जब वो सुनती थी कि नॉइज ऑफ़ द कराच यानी उनकी गाड़ी का आवाज़ दूर दूर होता जा रहा है फेंटर एंड फेंटर डाउन द रोंग रोड यानी कि वो अभी काम पे निकल चुके हैं इन द इवनिंग वैन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल जब शाम को वो घर आते थे तब वो वहाँ पे खड़ी रहती थी स्टेयर केस पे और उनकी ऊँची आवाज़ हॉल से सुनती थी ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राॅइंग रूम हैज़ इन द पेपर कम येट मदर गो एंड सीफ माई पेपर्स आउट देर एंड ब्रिंग मी माई स्लिपर्स ठीक है वो चिल्लाते थे कि मेरी चाय लेके आओ ड्रॉइंग रूम से पेपर नहीं आए हैं अब तक माँ आप जाके देखो कि मेरे पेपर आए हैं या नहीं और मेरे स्लिपर्स ले आओ कीज़ा मदर वुड कॉल टू हर ठीक है कीज़ा बुलाती थी माँ से इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स अगर तुम एक गुड गर्ल हो तो तुम नीचे आओ और फादर के बूट्स निकालो स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेस ठीक है स्लिप डाउन का मतलब है नीचे आना बहुत ही शांति से नीचे आती थी मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राॅइंग रूम डोर ठीक है हॉल तक आती थी और वो ड्राॅइंग रूम का डोर ओपन करती थी बाई दैट टाइम ही हैड spectacles ऑन एंड looked at हर ओवर दैम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग द लिटल गर्ल तब तक उसके जो फादर थे उनके उनके जो चश्मा थे एनक था वो एनक से उसकी तरफ बड़ी अजीब और बड़े डरावने तरीके से वो बच्ची की तरफ देखते थे वेल कीज़ा हरी याप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे कीज़ा जल्दी आओ यहाँ पे और ये बूट निकाल के बाजू में रख दो क्या तुम एक अच्छी बच्ची रही आज आई आई डोंट नो फादर और वो एकदम हेजिटेट uh, होके कहते कि मुझे नहीं पता पापा

वट इज द मैटर वॉट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट ठीक है क्या क्या मैटर है क्या हुआ है तुम इतनी अन, दुखी क्यों लग रही हो मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड ठीक है ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड यानी कि तुमने उसे समझाना चाहिए कि ऐसे रहोगी दुखी रहोगी तो कहीं वो सुसाइड ना कर ले यर कीजा कैरी माई कप बैक टू द टेबल कैफ ये लो मेरा जो टी कप है चाय का कप है वो जाके टेबल पे वापस रख दो यू वज़ सो बिग इज़ हैंड्स एंड इज़ नेक वो काफ़ी बड़े थे उनके हाथ और उनकी उनकी नेक एस्पेशली हिज माउथ वन ही यॉन और उनका मुंह जब वो यॉन करते थे उबासी लेते थे थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट उनके बारे में सोचना मतलब एक जाइंट के बारे में सोचना ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर एंटर डाउन टू द ड्राॅइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर एक संडे आफ्टरनून में उसकी ग्रैंड मदर ने उसे नीचे भेजा ड्राइंग रूम में अपने फादर और मदर से बातें करने के लिए बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफ़ा बट हमेशा वो माँ को पढ़ते हुए देखती थी और फादर को स्ट्रेच आउट ऑन द सोफ़ा यानी कि वो लेटे हुए रहते थे सोफे पे इस प्रकार हिज हैंकर ऑन हिज फेस हैंकर रहता था उनके फेस पे इस फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग उनकी पैर एक अच्छे से कुशन पे होती थी पिलो कुशन पे और वो सो रहे होते थे बड़ी, बड़ी शांति से और घुर्रा भी रहे होते थे शी स्टार्ट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच ठीक है वो स्टूल पर बैठी रहती थी ग्रेवली ग्रेवली का मतलब है बड़ी गंभीर तरीका से उनको वो देखती थी जब तक वो उठ ना जाए एंड आज द टाइम देन हर ठीक है और वो वक्त पूछते थे और वो उसकी तरफ देखते थे यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल मेरी तरफ इतने घूर के मत देखो कीजा तुम एक ब्राउन आउल की तरह लगते हो मुझे वन डे व्हेन शी वाज कैप्टन डोर्स विद अ कोल्ड अ ग्रैंड मदर टोल्ड फादर्स बर्थ दे वॉज नेक्स्ट वीक एक दिन जब कीज़ा घर पे थी और ठंडी का मौसम था तभी उसके ग्रैंड मदर ने कहा कि उसके पापा का बर्थडे है अगले हफ्ते एंड सजेस्ट शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ़ येलो सिल्क और उन्हें रेकमेंड किया कि उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए एज अ गिफ्ट ठीक है एक एक येलो सिल्क है उससे बना के अपने पापा को दे दे दो लेबरसली लेबरसली का मतलब है बड़े आ, बड़े मेहनत से विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स एक डबल कॉटन लेकर उसने थ्री uh, साइड्स तीन बाजू सील दी बट वॉट टू फिल इन विथ दैट वॉज द क्वेश्चन लेकिन उसके अंदर क्या डालना है वही क्वेश्चन था द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्ट वॉन्टर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रेप्स स्क्रेप्स यानी कि क्या है स्टूडेंट्स स्केप्स यानी कि स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ और पेपर एक्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड ठीक है तो ग्रैंड मदर गार्डन में घूमने गई फिर उसकी माँ के बेडरूम में चली गई वॉन्डर्ड यानी कि भटकना ठीक है देखने के लिए कि इसके अंदर कुछ डाल सकते हैं क्या ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर बेड टेबल पे उसने देखा कि बहुत सारे शीट्स ऑफ पेपर पड़े थे गैदर देम अप टोर देम इन टू टाइनी पीसेज एंड स्टफ्ड हर केस देन स्यूड अप फॉर द फोर्थ साइड ठीक है सबको इकट्ठा किया उन सबको उसको फाड़ा पेपर को छोटे छोटे पेपर्स में उसे स्टफ़ किया उसके अंदर और फिर उसे सुई लगाकर सील दिया चौथी बाजू पे दैट नाइट देर वॉज अव एन क्राई इन द हाउस ह्यू एन क्राई यानी जो जो से चीख चिल्लाना हो रहा था घर में फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट पापा का एक स्पीच था आ, वो जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए देने वाले थे वो गुम हो गया था स्पीच यानी कि प्रचारण रूम्स व सर्च सर्वेंट्स क्वेश्चन फाइनली मदर केम इन टू कीजाज रूम रूम्स देखने देख रहे थे सर्वेंट्स को पूछा गया कहाँ है फाइनली मदर कीज़ा के रूम में आए कीज़ा आई सपोज यू डेंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन योर रूम ठीक है कीज़ा मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कोई ऐसे पेपर्स नहीं देखे मेरे रूम में शी आई अप फॉर सरप्राइज तो कीज़ा ने कहा हाँ मैंने तो उन्हें फाड़ दिया मेरे सरप्राइज के लिए वॉट स्क्रीम मदर माँ ने जोर से चिल्लाया कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट अभी के अभी नीचे डाइनिंग रूम में आओ एंड शी वॉज ड्रैक डाउन टू वायर फादर वॉज पैकिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड ठीक है तो वो नीचे उसे बुलाया गया स्टूडेंट्स और जहाँ पे पा उसके पापा खड़े थे बिच हु पेसिंग पेसिंग यानी कि बड़ी तेजी से वो अंदर बाहर कर रहे थे उनके हाथ पीछे थे वेल ही सेट शार्पली मदर एक्सप्लेन ही स्टॉप एंड स्टेड एट द चाइल्ड वो रुके और कीज़ा की तरफ घूरते रहे डिड यू डू दैट क्या तुमने उसे ऐसे कुछ किया है नो शी स्पर्ट माधर गो टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेट दिस इंस्टेंस ने कहा कि जाओ ऊपर उनके रूम में और वो सारी चीजें लेके आओ नीचे और इस बच्चे को जाके सुला दो अभी इंस्टेंट यानि की अभी के अभी क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर वो रोने लग गई अपने रूम में जाके ठीक है और ले ले यानी कि लेटना ठीक है वो लेट गई और शेडो यानी की परछाई ठीक है अंधेरा ठीक है उसने अंधेरे रूम में एक छोटी सी इवनिंग लाइट देखी जो एक सैड uh, फेस बना रही थी फ्लोर पे फिर पापा रूम में आए एक लेके मैं अभी तुम्हें इससे मारने वाला हूँ उसने कहा ओ नो नो स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ चिल्लाने नहीं नहीं फादर चिल्लाने लग गए और अपने क्लोथ के अंदर ही पुल्ड उसने वो बेडक्लोथ को वहां से खींचा को वहां से Sit up, he ordered. बैठो, उसने ऑर्डर किया। and hold out your hands, और अपने हाथ आगे करो। तुम्हें सिखाना चाहिए चाहिए। कि जो तुम्हारा नहीं नहीं है, उसे छूना बिल्कुल भी बट इट वॉज बर्थडे लेकिन वो आपके बर्थडे के लिए था डाउन के रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स और वो रूलर उसके हाथ पे उसके पिंक पाम्स पे पड़ गया आज लेट वैन ग्रैंड मदर है शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी ठीक है घंटों बाद उसकी ग्रैंड मदर ने उसे अपनी तरफ खींचा उसके अपने बाहों में खींचा शॉल में उसे लपेटा और उसके उसकी रॉकिंग चेयर यानी एक चेयर होती है स्टूडेंट जो आगे पीछे हिलती है उस चेयर पे उन्हें सराती रही और वो चाइल्ड भी कुछ समय बाद नज़दीक आ गया वॉट डिड गॉड मेड फादर्स फॉर शी सॉप भगवान ने फादर क्यों बनाया है यज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज एक क्लीन हैंकी ले लो हैंकर चिफ ले लो और तुम्हारा नाक बह रही है उसे ब्लो करो गुड स्लीप यू विल फोगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग सो जाओ अभी तुम तुम इस सबको कल भूल जाओगे आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज़ टू अपसेट टू लिसन टू नाइट मैंने समझाने की कोशिश की तुम्हारे फादर को लेकिन वो काफ़ी अपसेट थे आज सुनने की क्षमता नहीं थी उनमें आज बट द चाइल्ड नेवर फोगाट चायल्ड वो कभी भूल नहीं पाया नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंडर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इंटू हर चिक्स नेक्स्ट टाइम जब वो अपने पापा को देखती थी तब वो अपने पूरे दोनों हाथ पीछे कर लेती थी और अ रेड कलर फ्ल्यू इंटू हर चीक्स। रेड कलर फ्लू इंटू चिक्स यूनी उसे थप्पड़ पड़ जाती थी अपने पापा से द मैकडॉनल्स लिव next दे हैड फाइव five लुकिंग थ्रू अ गैप इन द the द लिटिल little girl saw them प्लेइंग टैग इन द इवनिंग जो McDonalds होता था वो उनके बाजू में रहता था और उनके पास पाँच बच्चे थे और जब उसने गैप ऑफ गैप इन द फेंस यानी एक फेंस होती है उसकी गैप से उसने जब उसने देखा कि वो टैग इन टैग खेल रहे थे टैग यानी कि गेम होता है जहाँ पे बच्चों को एक दूसरे को पकड़ना होता है ठीक है द फादर विद द बेबी ठीक है द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिस्स शोल्डर टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिस्स कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बैट्स ठीक है तो फादर खेल रहे थे उनके बच्चों के साथ uh, माओ थी उनके शोल्डर पे दो बच्चे थे हैंगिंग टू हिज कोट पॉकेट्स रैन ठीक है और वो फ्लावर बैट्स खेल रहे थे रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे थे स्टूडेंट्स ठीक है वंस शी सॉ द बॉयज टर्न दर्न द होज ऑन हेम एंड ही ट्राई टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम ठीक है होज यानी कि पाइप ठीक है वो लोग एक दूसरे वो खेल रहे थे स्टूडेंट जहाँ पे एक दूसरे को पकड़ रहे थे और हंसी हस, मजाक कर रहे थे इट डिसाइडेड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स तब उसने डिसाइड किया अरे दुनिया में अलग अलग प्रकार के फादर्स भी होते हैं सडनली वन डे मदर बिकेम मेल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल एक बार क्या हो गया था कि माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो वो और ग्रैंड मदर उसे हॉस्पिटल ले गए द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट लोन इन द हाउस विद एलिस द कुक और वो छोटी सी बच्ची घर में अकेली रह गई थी और सिर्फ एलिस थी घर में जो कि कुक है दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम सुबह तक तो वो सब ठीक था बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अप्रील जब एलिस उसे सोने लेके जा रही थी तब ऑल ऑफ़ अ सडन वो डरने लग गई व्हाट लेफ आई डू इफ आई हैवे नाइट मेर मैं क्या करूँगी जब मुझे नाइट मेयर आएगा रात को बुरे सपने आए तो शी शिया आई ऑफन हैव नाइट मेज एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड मुझे तो बहुत Uh, अक्सर बुरे सपने आते हैं और मेरी ग्रैंड मदर मुझे बेड में ले जाती है आई कॉन्ट स्टे इन डार्क मैं डार्क में नहीं रह सकती ठीक है इट गेट्स ऑल विस्परी विस्परी यानी कि कोई फुसफुसाने लगता है यू जस्ट टू स्लीप चाइल्ड तुम सोने जा चले जाओ एलिस ने कहा पोलिंग ऑफर सॉक्स उसके सॉक्स निकाले एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा और चिल्ला के तुम अपने पापा को मत जगाना बट द सेम ओल्ड नाइटमेर केम लेकिन फिर भी उसे वही सपना आया द बुचर, बुचर चोर, एक नाइफ लेके और एक रोप लेके उसकी तरफ आ रहा था करीब और उसकी स्माइल बहुत गंदी थी ड्रेडफुल यानी की बड़ी डरावनी थी वाइल शी कु नॉट मूव कुड ओनली स्टैंड स्टिल वो वहां से बच्ची नींद में हिल नहीं पा थी, रही थी वो सिर्फ चिल्ला रही थी

उस बच्ची को अपने आर्म्स में लिया कैरीकर अलॉन्ग पैसेज टू द बेडरूम उनको बाहर लेके गए पैसेज तक बिग बेडरूम तक न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड एक न्यूज पेपर पड़ा था बेड पे ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक टप द चाइल्ड उसने पेपर को साइड में रखा और उस बच्ची को अपने करीब लेके गए ही ले डाउन दाइड के बाजू में वो सो गए हाफ अ स्लीप स्टिल विद द बचर्ड स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम ठीक है और वो सोए नहीं थे जब तक वो बच्ची नहीं सो रही थी बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम शी कैप क्लोजर टू हिम स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आम हेल्ड टाइटली टू हिज शॉर्ट ठीक है जैसे से उसे वो सारी चीज़ें याद हो रही थी वो अपने पापा से और ज़्यादा करीब जा रही थी उ, उनको घर उनको बड़ी तेज तरीके से पकड़ रही थी और उसका हेड उसके आम के अंदर था टाइटली टू हे शर्ट उसने उसका शर्ट भी काफी टाइट पकड़ा हुआ था देन द डार्क डिट मैटर शीले स्टिल फिर वो डार्क मैटर नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पापा उसके साथ थे रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वो फादर तुम तुम्हारे जो पैर हैं वो मेरे पैर के साथ रब करो तो तुम्हें अच्छा लगेगा फादर ने कहा ट्राई डाउट ही स्लेब बिफोर द लिटिल गर्ल और वो थक गए थे इसलिए वो छोटी बच्ची से पहले सो गए अ फनी फीलिंग के मोर वो हंसने लग गई पोअ फादर नॉट सो बेग आफ्टर ऑल ठीक है पापा इतने भी बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल नो वट टू लुक आफ्टर उनको देख की देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है अभी फिलहाल ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस वो ग्रैंड मदर से काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं लेकिन वो काफ़ी अच्छा है एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड ठीक है और रोज़ उनको घुटना पड़ता था काम करना पड़ता था और इस वजह से वो काफ़ी थक जाते थे इसलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे नहीं बन पा रहे थे शी है उसने तो उनके बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग जो उन्होंने लिखी थी जो स्पीच लिखा था वो फाड़ दिया था शी स्टर्ड यानी कि अंदर से वो काफी उसे बुरा लगने लग गया था ठीक है हिलाना अंदर से उसको काफी बुरा लग गया था उसके अंदर काफी मिक्स फीलिंग्स आ रही थी एंड साइड वाट द मैटर आस्टर फादर अनदर ड्रीम फादर ने कहा क्या हुआ एक और ड्रीम देख ली तुमने ओ सर द लिटल गर्ल माई हेड्स ऑन य हार्ट आई कैन हीयर इट गो इंग वट अ बिग हार्ट यू गॉड फादर डिया ठीक है उसने कहा कि मेरा जो सर है वो आपके हार्ट के करीब है और मैं सुन पा रही हूँ तुम्हारी हार्ट बीट्स कितना बड़ा हार्ट है तुम्हारा फादर डियर ठीक है ओके स्टूडेंट्स तो आप मुझे बताइए कि आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है सो so, इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है स्टूडेंट्स कि चिल्ड्रन हैव नेचुरल अटैचमेंट विद यर पेरेंट्स बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट होती है ठीक है उनके दिल में हमेशा होता है कि उन्हें अपने पेरेंट्स से प्यार और अफेक्शन मिले ओके तो अगर आ, हमारे पेरेंट्स हमसे सही से व्यवहार नहीं करते तो हमारे अंदर उनके लिए घृणा पैदा होती है हावेवर इवन इफ आर पेरेंट्स आर रूड दे स्टिल हैव ओनली वॉट डिज़ायर भले ही हमारे पेरेंट्स हमसे नाराज़ हो या हमसे बुरी तरीके से बात करें लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक चीज़ है स्टूडेंट्स वो है तुम्हारा दे वॉन्ट टू बेकर सक्सेसफुल आपकी भलाई ठीक है दुनिया में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो आपकी भलाई चाहते होंगे स्टूडेंट्स और आपके पेरेंट्स ही हैं भले ही वो कितने भी आपको डांटें या कुछ भी करें या फिर आपको कहीं भी ऐसी चीज़ के लिए कुछ बोले जो आपने गलत भी ना की हो बस इस वजह से वो करते हैं क्योंकि वो सिर्फ आपका भला चाहते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स